एक मिनट, आज जो खेलू मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन MBT उस्मान नगर अहमद नगर और सैफ कॉलोनी तकरीबन जो है 1000 मकान 2 महीने से पानी में डूबे हुए हैं और 3 डिपार्टमेंट वहाँ के म्यूनसिपल जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी उनसे बोल रहे हैं पानी निकालो बोल तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोलो बोल रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट मिलके जो है 1000 फैमिलीज रोड पे है, 1000 फैमिलीज के पूरे मासूम बच्चे, किडनी पेशेंट्स, ओपन हार्ट सर्जरी हुई सो पेशेंट्स और आपके थायराइड पेशेंट्स, कई वुमेन्स BP शुगर, ये पूरे 1-1.5 महीने से तो रोड पे है। कोई बस स्टॉप में सो रहा, कोई जाके फलकनुमा बस स्टॉप में सो रही, कब तक बोल के रिश्तेदार घर में रखते खाना खिलाते बोलिए आप। एक तो ये पानी नहीं निकाल रहे, दूसरी चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेल्टर प्रोवाइड नहीं करे, यानी कोई शादी खाने में इनका इंतज़ाम नहीं है। वो जो 10,000 रुपये KCR साहब ऐलान करे, आज तक एक आदमी को वो 10,000 रुपये नहीं मिले। रोज़ाना पेपर में, सोशल मीडिया में, लीडरों के फोन आ, तो लोकल मेंबर ऑफ लोकल MLA जो है सविता इंदिरा रेड्डी है, सविता इंदिरा रेड्डी जो है शी इज़ द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन दी कैबिनेट। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं तेलंगाना की खवातीन की जो है हिफाजत कर रही हूँ। खुद अपने एरिया के, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सविता इंदिरा रेड्डी खवातीन को नहीं बचा सक रही। आज 1 महीने से रोड पे है, देखिए आप पूरे जने। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इनकी खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना पानी, एक मिनिस्टर होते हुए नहीं कर सक रहे, तो सरकार कैसी चल रही होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी है वहाँ पर चिवड़े के, उनके घर पे जाके बोले, उन्हों तो आज तक पता ही नहीं है गधे के सर पे से सिंह गायब हुए वैसा MP साहब गायब है। अब रही बात वहाँ पर AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, दे आर फ्रेंडली विद TRS, बड़े बड़े तकरीर करते, बड़े बड़े बातें करते ये लोग। इनका चेयरमैन है वहाँ म्यूनसिपैलिटी पे, MIM के 16 काउंसलर से वहाँ पर इलेक्ट हुए। तो उन्हों भी आज तक ना असदुद्दीन ओवैसी आए एक मरतबा, ना अकबरुद्दीन ओवैसी आए, और ना कोई वहाँ पर। अच्छा अब और एक क्या हो रहा वहाँ बस्ती में, गुंडागर्दी हो रही, कोई बाहर से लेके जाके अगर रिलीफ मटेरियल बांट रहे वहाँ पर, उनको मार के भगा दे रही। ऑलरेडी जो है वहाँ के लोकल कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल के डिपार्टमेंट के सदर है रंगारेड्डी अब्दुल रऊफ, उनके ऊपर हमला करे। आज तक जो है बालापुर पुलिस स्टेशन वो खातिल को नहीं पकड़ी, जबकि पूरा वीडियो में रिकॉर्डेड है CCTV पे इनके ऊपर हमला हो रहा। अब ये खवातीन, ये बच्चे, ये मासूम लोग कहाँ पर जाना बताइए? क्या ये लोग टैक्स पेयर नहीं है क्या? 22 साल से टैक्स बन रही, हम सब डिपार्टमेंटों को कंप्लेंट दे के देख लिए, पूरे लीडरों के पीछे जाके देख लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो आज जो है चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन श्री जस्टिस गुंडाराव चंद्राया के हम आके पर्सनली इन पिटीशन, पूरे तकरीबन 100-150 औरतें आके, आदमी आके घर के हर फैमिली से करे, बहुत देर सुने उन्होंने। पहले ये पूछे कि भाई ये पानी निकाले तो किसी को नुकसान हो रहा क्या, इसलिए नहीं निकाल रही? हम बोले साहब वहाँ पर तुम पे पूरा लैंड ग्रैबिंग हो गया, वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग ऑफ द वाटर बॉडीज होने की। उन्होंने खुद बोले कि भाई कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, वाटर बॉडीज को बचाने का काम नहीं करिए, हकीकत है, चाहे तेलुगु देशम रहो, कांग्रेस रहो, और यू ब्लेम दिस गवर्नमेंट। फिर दूसरी चीज़ हम बोले साहब कम से कम इनको शेल्टर प्रोवाइड करो, आप डायरेक्शन दियो तो शेल्टर प्रोवाइड करता हूँ भी बोल के माने, और मेडिकल कैंप। आज पूरा पेंडेमिक चल रहा पूरा तेलंगाना स्टेट में, सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आप अगर कल लेके जाके मेडिकल कैंप इन लोगों का टेस्ट कराए, ये 1000 फैमिली में, ये 1000 फैमिलीज में से
कम से कम एक 200 आदमी को कोविड पॉजिटिव निकलते हैं ये लोग, मासूम बच्चे हैं। ये उस्मान नगर जो है एक बम शेल हो गया, अपन एक बम शेल पे बैठे हुए हैं अपन, लेकिन गवर्नमेंट का इतना अपैथी है। चेयरमैन को हम रिक्वेस्ट करें कि आप पर्सनली आके विजिट करो साहब पूरे कमीशन से, तो चेयरमैन साहब जो है डायरेक्शन दिए कलेक्टर रंगारेड्डी को 2 दिन के अंदर पर्सनली विजिट होना, वहां का पानी कैसा निकाला जाए, चाहे वो तूम खोलना या इलीगल कंस्ट्रक्शन को निकालना या एक नई ड्रेन डाल के निकालना, 10 दिन के अंदर पानी निकाल के रिपोर्ट पेश करना कमीशन को, और आपके जो है वहां पर इमीडिएट मेडिकल कैंप कंडक्ट करना, और इन लोगों का रहने का शेल्टर प्रोवाइड करना, इनको राशन देना, इनको कुक फूड देना। ये आज डायरेक्शन हुआ है, अभी हमारे को डायरेक्शन की कॉपी मिलेंगी। एंड आई थैंक ऑल द मीडिया फॉर वेटिंग सो लॉन्ग। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप लोग आए, आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाए। आप बोलो, माफ पानी निकाल, हम लोग को ना पानी निकालने के लिए हम लोग को बता रहे हैं, मोटर लगा के क्या बोल रहे हैं, पानी निकाल दे रहे हैं। जैसा हम लोग जाड़े कट्टे पे 2 घंटे के लिए मोटर लग रही थी, उसके बाद मोटर को बंद कर दिया जा रहा, उसके बाद फिर पुलिस लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं, पुलिस लोग भी हमारे को धक्के मार के वहाँ से हटा रहे हैं। पुलिस वालों को बोले आपको कोई एतराज़ है क्या, हमारे घर की तकलीफ हमारे को है, आपको आपकी पड़ी हुई है, आप लोग एक काम करिए, मेहरबानी करिए कि आप लोग उनको जाके बोलिए जो आपको रोकने लगा रहे, उनको बोलिए कि पानी निकालिए, आपका खाना पीना हमारे को कोई चीज़ की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी पूरी आवाम बोल रही है, हमारी आवाम सिर्फ एक ही दिन से आपकी बस्ती में पानी, 2 महीने से पानी है। और सविता मैडम क्या बोले थे हमारे को कि हम 5 फीट का पानी आया तो निकालेंगे, फिर 5 फीट की जगह पे पूरा घर डूब गया हमारा। हमारा घर डूबने के बाद भी उनको बोलिए आइए आइए, बोले तो हाँ आती हूँ आती हूँ, बोल के आए नहीं उन्होंने देखे ना पानी निकाले। केसीआर साहब के 10,000 रुपए मिले जी, हमारे को हमारे को कई लोगों को मिले, कई लोगों को नहीं मिले पैसे, उसमें भी वो क्या करे, घरों घर घर जाके दौड़ पर मार के देने का था, और उन लाइन में खड़ा करके दिए, ठीक है वो हम लोग को दिए, पर उनके 10,000 हमारे कोई काम के नहीं है, वो 10,000 तो हमारे कहाँ इधर चले गए नहीं पता चला। हम लोग को तकरीबन कई 2 महीने से हम परेशान है, पहली बार हमारे बच्चे लॉकडाउन में पूरी जॉब पे से उतरे हुए हैं। म्युनिसिपल वाले और रह लेगा जी, म्युनिसिपल वाले कोई कोई नहीं आ रहे वहाँ पे, कोई कोई देखने को चलने को तैयार ही नहीं है, लावा इस बस्ती दिख रही है उन लोग को, कोई कंटिन्यू पानी, कंटिन्यू पानी रहने से स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। अगर ये लोग गए ना तो इनको जो है फिर से नई दीवार बनाना पड़ता, नया घर बनाना पड़ता, सामान तो पूरा डूब गया हमारा, कुछ ही नहीं, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे चले गए हमारे। एक लेडी को आओ मां ఒక్కసారి మేడం వచ్చారు, నైట్ టైం వచ్చేసి చెప్పారు 5 పైన నీళ్ళు మునిగిపోయినాడా, కానీ ప్రభుత్వం కానీ అసలు వాళ్ళకు ఏం ఇబ్బంది లేని ఏమి పట్టించుకోలేరు, వస్తుందో చూస్తుందో వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళకి ఏం ఫుడ్ గిట్ట ఏం అసలు వాళ్ళకి ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు, కొంతమందికి దొరికినాయి 10,000 కానీ కొంతమందికి దొరకలేదు, దొరికిన వాళ్ళకి ఏమని చేసిందంటే వాళ్ళు 500 ఇచ్చి వాళ్ళకి సబ్బు ఇచ్చారు, మీ ఆధార్ కార్డు నడవదు వచ్చింది ఇది ఒకటి తీసుకున్నారు, జస్ట్ 9,500 రూపీస్ జేబులో వేసుకొని ఓన్లీ 500 రూపీస్ ఇచ్చిండ్రు, దాని గురించి మేము కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు నా మీద దాడికి పాల్పడ్డారు. నాకు అంటే ఎవరు దాడికి పాల్పడ్డారు ఇప్పుడు చెప్పలేము సార్, మేము ఎవరి మీద ఇస్తుండే దాడి చేసిన వాళ్ళు అన్సోషల్ ఎలిమెంట్ సార్, వాళ్ళ గుండా కిరాయి గుండాలు ఉన్నారు, వాళ్ళేమో దాడి చేసిండ్రు, కానీ ఇప్పటి వరకు పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు, ఏం చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు అంటే ఇంక్వైరీ చేస్తున్నాం అది అది. దాదాపు ఈ విషయం మీదనే 15 రోజుల క్రితమే వాళ్ళ లోకల్ లీడర్ ఎవరున్నారు అన్నది నాకు బెదిరించడం కూడా జరిగింది, నేను అంతా చూస్తాను నీకు ఏమో పొడిచేస్తాను అని, కానీ ఆ కంప్లైంట్ గిట్టా ఇస్తే పోలీస్ వాళ్ళు దాని మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోలే, వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళది ఇంకా దానికి ఏం పోలీసు వాళ్ళు మన జేబులో ఉన్నారు అది అది అని చేసుకొని వాళ్ళేమో మళ్ళా నా మీద ఎవరు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన ఏ పార్టీకి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు వాళ్ళు కుమ్మకారు సార్, అక్కడ అసలు అలయన్స్ పార్టీ కదా వాళ్ళు, ఇద్దరు కుమ్మకారు వాళ్ళు చైర్మన్ ఉన్నారని చెప్తున్నారు కదా.